मेरी जर्नी इस पिक्चर की, इस मूवी की बहुत हिस्टोरिक रही है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का एक सपना जो मैंने बचपन में देखा था वो पूरा होने जा रहा है। नमस्ते, मैं हूँ आतिश कपाड़िया, खिचड़ी द मूवी का राइटर डायरेक्टर। और मेरा परिचय देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचानता। एक्शन! मैंने उनसे पूछा था कि आई एम लिटिल फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, तो मैंने कहा कि थोड़ा पूछूंगी कि नो कुछ प्रिपरेशन चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है। सो आई सेड, आतिश, डू यू वांट मी टू जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर समथिंग? एंड ही सेज, नो, जस्ट लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड एट होम एंड जस्ट कम हियर एंड हैव फन। थ्रू आउट द शूट इट यूज्ड टू बी सच अ लाफ्टर रायट। खिचड़ी एक ऐसा सेट है जहाँ आके तो सारा भूल जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा टेंशन है, क्या होने वाला है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत आरामदेह और बहुत मज़ेदार एटमोसफियर था काम करने का। अच्छा बाबू जी, आपको तैरना आता है? नहीं नहीं, अच्छा कौन सा मंदिर पे ले लो। अच्छे अच्छे सुखद अनुभव रहे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, एक मीठी याद। अरे जयश्री, तू ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? क्या करूं बाबूजी, आज भी काम वाली नहीं आई, आज तो स्त्री वाला भी नहीं आया। भगवान, देखिए ना, इसीलिए मुझे ऐसी सिल बाटो वाली साड़ी पहननी पड़ी। इतनी कुत्ता हमें ओवरटेक करके आगे भाग गया। ये फिल्म ना ही सिर्फ मेरा डेब्यू है पर इसके साथ साथ इस फिल्म में जो चक्की का कैरेक्टर कर रही है, जो यहाँ पर है, जिसकी शक्ल अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैं इसकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ। दैट कैरेक्टर चक्की इज बीन प्लेड बाय माई लवली लवली डॉटर, इट्स हर डेब्यू ऑल्सो। एक दिन जब भगवान घर घर जाकर अकल बांटने निकले थे तो कुछ लोग घर पे नहीं थे, इसलिए उन्हें अकल नहीं मिली। लेकिन जब भगवान अकल बांटने हमारे घर आए थे तब हमारे घर के बड़े लोग तो घर पे थे। फिर भी बड़े लोग वैसे तो घर पे हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये मजा आता है बिहाइंड द सीन्स, हम लोग यहाँ हमारे पेरेंट्स को संस्कार सिखा रहे हैं। खिचड़ी इज अ मूवी जिसमें मैं मेरी जिंदगी में जितना नहीं हंसा हूँ उतना मैं यहाँ पे हंसा हूँ। ये बैल है, जो बैल इस फर्श पर सुबह से भाग नहीं पा रहा था, चल नहीं पा, और हम शूटिंग नहीं कर पाए। अब जाके बैल के लिए एक कारपेट, तो इस कहते हैं बैल के लिए ग्रीन कारपेट वेलकम है। और ये बैल देखो, पूरी अस्पताल की कारपेट किस तरह की। मैंने जेडी और आते से कहा कि आई वुड लव टू प्ले अ रोल इन खिचड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कोई रोल नहीं था, और स्क्रिप्ट को बिगाड़ना हम तीनों में से कोई भी नहीं चाहते थे मेरे लिए रोल निकालने के लिए। तो एक बार मैं खिचड़ी की शूटिंग अटेंड करने गया था, तो वहाँ पर एक सीन चला था, हॉस्पिटल का सीक्वेंस था। प्रफुल्ल कैरेक्टर जो राजू मेहता प्ले कर रहे हैं, उनका एक सीन था एक एक्टर के साथ जो पेशेंट का रोल कर रहा था, और उसके एक दो डायलॉग्स ही थे, पर पता नहीं क्यों वो एक्टर बहुत नर्वस हो गया और वो अपने लाइन्स ठीक तरह से बोल ही नहीं पा रहा था। तो जीडी और आतिश ने कहा ठीक है, देन गो होम। मगर फिर शूटिंग रुक गई और सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अचानक जीडी और आतिश की नज़र मिली और मेरे पास आ गए और कहने लगे कि देवेन, तू पेशेंट का गाउन पहन ले और बिस्तर पर लेट जा। बहुत मेहनत की मैंने इस पिक्चर में। अच्छा प्रफुल्ल की तो जोड़ी गजब है, बाबूजी की कुड़कुड़ से परेशान सब है, गॉसिप करने को जयश्री हरदम तैयार है, हिमांशु को किचन से ढेर सारा प्यार है, कि घर में रहते बच्चे है वो दोनों सबसे अच्छे। ओ मिल गए जब ये सभी बने प्यारी प्यारी खिचड़ी।